सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूं, उसमें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं कि आप बरसात में कौन कौन सी टिप्स फॉलो कर सकते हैं सो दैट आपके जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी बने रहें, आपका जो गार्डन है वो सुंदर बना रहे। तो यही मैं आज आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और यूज़फुल लगेगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें पता है कि बारिश के सीज़न में क्या होता है कि बारिश पड़ती रहती है, कई बार तो काफ़ी दिनों तक बारिश पड़ती रहती है। उससे क्या होता है कि हमारे पौधों में पानी का जमाव हो जाता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पौधों में एक्सेस वाटर इकट्ठा हो, क्योंकि उससे क्या होता है रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाती है, फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, काफ़ी सारे इंसेक्ट्स पेस्ट वो सब चीज़ें एक्सेस पानी की वजह से हमारे गार्डन में आती हैं। वैसे तो नॉर्मली भी गार्डन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मगर फिर भी बरसात के दिनों में इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो उसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, वही टिप्स आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके गमलों में खाली जगह है, खाली जगह विच मीन्स कि अगर आपके गमले, जैसे ये तो आपको दिखेगा कि ये पूरा भरा हुआ है, बट ये जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से दो इंच के करीब यहाँ पे जगह खाली है। स्पेशली हम ये गर्मियों के सीज़न में छोड़ते हैं जगह खाली, क्योंकि हमें पानी देना होता है पौधों को और उसके लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब बरसात का सीज़न आता है तो ये सिनारियो बिल्कुल बदल जाता है। इसमें क्या है कि बरसात के सीज़न में ऑलरेडी पानी ऊपर से इतना पड़ेगा कि आप लोगों को एक्सेस पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको करना क्या है कि इस स्पेस को आपको फिल कर देना है। इसको आप अपनी गार्डन सॉयल मिट्टी वगैरह से लेके आप इसको फिल कर दीजिए इस तरीके तक, जब ये गमले के लेवल तक मिट्टी आ जाएगी तो इससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे एक्सेस पानी पड़ेगा वो इसमें इकट्ठा नहीं होगा। तो यहाँ पे रूट रॉट वगैरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी, फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे, जिससे ज़्यादातर हमारे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम यही करना है कि अपने जो खाली गमले हैं, मतलब कि जितनी स्पेस खाली है आपके गमलों में, उनको भर देना है ऊपर तक। दूसरी जो बात आती है वो आती है फंगस की। जब बारिश का पानी पड़ता है उसमें काफ़ी सारी न्यूट्रिशन तो होता ही है, लेकिन बारिश के पानी के साथ साथ हमारे पौधों में फंगस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उसके लिए आप कोई भी फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं। जनरली साफ और ट्राइकोडर्मा जो हैं, दो फंगीसाइड हैं जो गार्डन में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। और साफ की बात करें तो वो केमिकल है, और अगर ट्राइकोडर्मा की बात करें तो वो ऑर्गेनिक फंगीसाइड है आपका, जो कि बुरी फंगस को ख़त्म करता है और अच्छी फंगस को आपके गार्डन में रहने देता है। जबकि जो साफ है वो केमिकल फंगीसाइड है। तो दोनों ही फंगस, जो अच्छी बुरी, वो सबको ही ख़त्म कर देता है। तो वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। वंस इन अ वीक आप उसको यूज़ कर सकते हो, और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो 5-6 दिन में आप उसको रिपीट कर सकते हो। और आपको करना क्या होता है कि एक ml या 1 ग्राम आपको अपना जो भी लेना होता है फंगीसाइड, उसको लेके 1 लीटर पानी मिक्स करके उसको स्प्रे कर सकते हो आप। जनरली जब हम कोई इस तरीके की चीज़ यूज़ करते हैं तो उनके पीछे डायरेक्शंस लिखी होती हैं कि किस तरीके से आपको उन्हें यूज़ करना है, तो आप उन डायरेक्शंस को फॉलो करके ही उनको यूज़ करिए। मतलब जैसे जनरली 1 ml जो हम लेते हैं फंगीसाइड, उसको 1 लीटर में मिला के आप उसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ जो उसके पैकेट पर डायरेक्शंस लिखी हैं वो आप उसको फॉलो करके आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ क्या होता है कि जब बारिशें होती रहती हैं तो हमारे यहाँ पे छत पे, जैसे कि अब कल भी बारिश हुई है, तो आपको दिखेगा कि छत पूरी गीली हो रखी है, मॉइस्चर रहता है। तो जनरली जब हम छत पे गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो एक कंसर्न हमेशा बना रहता है कि हमारे इस पे लेंटर में सीपेज ना आ जाए, कोई हमारी दीवारों में पानी ना आ जाए। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ये रख सकते हैं बरसात के दिन में, क्योंकि जो आपके जो गमले हैं, जो भी आपने जैसे ज़मीन पर रखे हुए हैं, जो ज़मीन से टच हो रहे हैं, उनको उठा के आप ऊपर की तरफ कर सकते हो। ज़्यादा खर्चा आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको स्टैंड बनवाने होंगे। ये अगर नहीं बनवा पाते हैं आप, तो सिंपल आप ईंटें अरेंज कर सकते हो, घर में पड़ा हुआ कोई भी पुराना सामान यूज़ कर सकते हो, थर्मोकोल के बॉक्सेस यूज़ कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर करके आप अपने पॉट्स को ऊपर की तरफ रख सकते हो। वहाँ भी आप देखोगे मैंने थर्मोकोल के बॉक्सेस यूज़ किए हुए हैं। ये जनरली हमारे घरों में, सबके घरों में आते रहते हैं, तो ये बहुत ही सस्ता और टिकाऊ जो तरीका है अपने प्लांट्स को सरफेस से ऊपर रखने का, सो दैट आपकी छत भी सेफ रहेगी और जो एक्सेस वाटर अगर प्लांट्स में जमा हो रहा है, गमलों में जमा हो रहा है, तो वो नीचे की तरफ को ड्रेन हो जाएगा।
उसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या करेंगे आपकी, जब हमारे यहाँ पे बारिशें होती हैं तो क्या होता है कि प्लांट्स में बहुत जो बारिश का पानी होता है बहुत न्यूट्रिशियस होता है, तो प्लांट्स की ग्रोथ इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है बरसात के सीज़न में। तो आप क्या करें कि जो प्लांट्स आपके फ़िलहाल यूज़ मतलब आपको लग रहा है कि यूज़लेस है, इसमें कुछ रिजल्ट हमको अच्छा नहीं मिलेगा, उनको निकाल दीजिए। जैसा मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पर निकाले, मेरे कुछ बैंगन के पौधे थे पुराने वो मैंने निकाल दिए, उसकी डंडियाँ सूखी हुई नज़र आ रही होंगी। कुछ यहाँ पे ये पौधे खुद से ही उगे हुए थे जो कि मैरीगोल्ड के, ये मैंने निकाल दिए हैं। और जो भी इस तरीके का कोई एक्सेस पौधा एक्स्ट्रा पौधा लगता है कि जो अननेसेसरी आपके गार्डन में अभी तक तो चलो बना हुआ था, बट अगर बरसात में सीजन में आप उसको नहीं रखना चाहते, आपको यूजलेस लगता है, तो उस तरीके से उसको निकाल दीजिए। उससे क्या होगा कि कम अगर प्लांट्स रहेंगे, कम क्राउडेड रहेगा बरसात में, तो उसमें पेस्ट वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर ज़्यादा क्राउडेड रहता है तो आपके पेस्ट वगैरह के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको छुपने की जगह मिलती है, ब्रीड करने की जगह मिलती है ना। तो उस तरीके से आप अपने गार्डन को जो यूज़लेस प्लांट लगते हैं उनको निकाल निकाल के आप खाली भी कर सकते हो, अगर कंपोस्टिंग के लायक है तो उनको कंपोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो प्लांट्स एक्सेस ग्रोथ कर गए हैं, जैसे कि ये आपको देख रहा होगा ये ग्रास है जो हमारे यहाँ गार्डन्स में लगती है, तो जो एक्सेस प्लांट्स आपको इस तरीके से ग्रोथ दिख रही है किसी की, तो ये बरसात में तो पता नहीं कहाँ ही चली जाएगी। कहने का मतलब है कि बहुत ओवर ग्रोथ हो जाएगी इसकी, तो हमें क्या करना है कि इन ऐसे प्लांट्स को प्रून कर देना है, मतलब कि इनको काट देना है। तो इनको अगर आप काटते रहेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो गार्डन है वो मैनेजेबल दिखेगा, आपका गार्डन सुंदर दिखेगा, साथ साथ में आपकी जो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब कि जिनको आप जो बरसात की वजह से कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो हम फिर अच्छा नहीं लगता है वो गार्डन में, तो इसलिए इस तरीके की चीज़ों को आप अपने गार्डन से निकालते रहें। यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि ये मैं इसको निकाल ही दूंगी, यहाँ पे आप देख पाओगे कि वहाँ पे टर्टल वाइन बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर गई है, नीचे तक आ गई हैं। और हालांकि ये लंबी शूट्स अच्छी लगती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ को ये सूखती जाती हैं और वो सूखी भी अच्छी नहीं लगती है। बरसात में क्या होगा कि ये कहीं भी लग जाती है बहुत ईजिली, और जिस तरीके से आप हमारी फर्श देख रहे हो, यहाँ पर कोई प्रॉपर जो छत होती है मतलब ऐसे टाइल्स वाइल्स नहीं लगी हैं, मतलब वो नॉर्मल वाली टाइल्स लगी हैं, तो अगर इनको कहीं पे भी क्रैक वगैरह नज़र आएंगे तो ये वहाँ पे अपनी जड़ें जमा लेंगी, तो जो कि हम नहीं चाहते। तो हम इसको उतना काट देंगे तो दैट ये सरफेस से ऊपर आए, और भी बरसात में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, तो इसको बार बार हम प्रून करते रहेंगे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं अपने छत पे, तो गर्मियों में तो चल जाता है, लेकिन उस कंपोस्टिंग को पानी से थोड़ा दूर रखना होगा, ताकि बरसात के पानी पड़ने से वो ख़राब ना हो आपकी, बहुत ज़्यादा उसमें कीचड़ वगैरह पैदा ना हो जाए। और किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर आप उसको बरसात के पानी से सेव कर सके, या फिर आप उसको ढक कर रखिए, ताकि उसमें एक्सेस वाटरिंग की वजह से आपको वो कीड़े पकौड़े और वो जो गंदी स्मेल आती है उसमें, उस चीज़ से डील ना करना पड़े। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, बरसात के पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, बरसात के सीज़न में ज़्यादा कुछ हमें फर्टिलाइज़र वगैरह अपने प्लांट्स में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बरसात के सीज़न में आप फर्टिलाइज़र देंगे, तो तब आपको उसमें कोई ज़रूरत देने की नहीं है, लेकिन अगर अभी आप ऐड करना चाहते तो अभी आप ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह कुछ भी अपने प्लांट्स में ऐड कर सकते हो, ताकि वो पूरा बरसात का सीज़न फिर आपका बिना उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन डाले वो चल जाए आपके प्लांट्स, क्योंकि फिर तो आप ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके गमलों में कई बार हमारे जो मिट्टी के गमले होते हैं वो अपनी एक लेयर सी ऐसे छोड़ने लग जाते हैं मिट्टी की, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, तो ये आप देख पाओगे कि मिट्टी के गमले हैं, तो टाइम टू टाइम जैसे मॉइस्चर होता रहता है तो ये अपनी कई बार ये उखड़ने भी लग जाती है, मिट्टी बहने लग जाती है। तो आप इनको सिक्योर करने के लिए आप इनको पेंट वगैरह कर सकते हो, जो इनके लिए एक टेराकोटा पेंट आता है तो वो आप यूज़ कर सकते हो, और ताकि आपके गमले जो है वो सेफ़ रहे, पानी से ख़राब ना हो, नीट एंड क्लीन बने रहें, और इनकी लाइफ जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी मोटी टिप्स जो कि आप बरसात के सीज़न में अपने गार्डन में फॉलो कर सकते हो। और बरसात के सीज़न में आप कौन कौन सी कटिंग्स और लगा सकते हो जो कि बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, विद इन 5 to 6 days आपको उनकी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, उस पर एक नया वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर लगा होगा तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अपने लाइक्स के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आपके लाइक्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक छोटा सा लाइक। और चलिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।